हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा गुलाब के ऊपर है और देखिए हमारे गार्डन में इतनी सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। गुलाब में ये ऑरेंज कलर की है और इसमें एक फूल खिल चुके हैं और दो कलियां लगी हुई हैं। और इसी तरीके से हमारे से दूसरे गुलाब भी हैं जो कि रेड कलर की है, इसमें भी देखिए दो कलियाँ आई हुई है, एक साथ वो खिल रही हैं और ये कितनी सुंदर लग रही है। ये हाइब्रिड वेराइटी है हमारे पास और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो फ्लावरिंग है ये कम से कम एक महीना तक रहता है और बाद में ऐसे ही सूख जाती है, तो इसमें ये झड़ती नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि ये पिंक कलर भी है, ये भी बहुत सुंदर खिल रहा है, अभी वाइट भी खिल रही है। तो इस तरह काफ़ी सारे फ्लावरिंग हमारे गुलाब के हो रहे हैं और एक बार जब आपके गार्डन में गुलाब खिलने लगती हैं तो ये आपके गार्डन की रौनक को बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि काफ़ी सारे अगर सीजनल फ्लावर्स है तो उसमें जब गुलाब खिले रहते हैं तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। तो बारिश के बाद हमारे प्लांट से बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया जिसके कारण ये अभी इतने अच्छे खिल रहे हैं, तो आइए आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले इस पर। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गुलाब जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत सारी सनलाइट इसे चाहिए। तो हमारी जो बालकनी है वो ईस्ट फेसिंग है, तो हमें 5 से 6 घंटा की धूप इसमें मिल जाती है जो कि इस प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो आपके पास भी अगर धूप नहीं है तो जहाँ पर धूप है वहीं पर प्लांट रखें ताकि इसे अच्छी तरह से धूप मिल सके। दूसरी कि जब भी अभी जैसे बारिश ख़त्म हुई तो हमारे प्लांट्स में भी जैसे बहुत से पत्ते सूख गए थे प्लांट्स में, उसकी पतली पतली डालियाँ हो गई थी, जैसे कि ये देख रहे थे कि इसमें बहुत ऐसी पतली पतली एकदम डालियाँ हो गई थी, पत्ते नहीं थे, पत्ते सारे सूख करके झड़ गए थे और हमें उस समय बहुत चिंता हो रही थी कि इस बार गुलाब कैसे खिलेंगे। लेकिन हमने फिर देखिए कि सबसे पहले इस पत्ते को निकालना, इस डाली जो पतली पतली डालियाँ हैं इसको कट करना ज़रूरी है। तो जो डालियाँ हमारी पतली पतली हो गई थी तो उसे हमने जैसे जहाँ से निकल रहा है ये ब्रांच देखिए नीचे से, वहाँ से हमने 5 से 6 इंच की डालियों को छोड़ करके ऊपर से कट कर दिया। और इस तरह से जब हमने कट कर दिया और जो सूखे पत्ते हैं उसको भी निकाल देना होगा, तो कट करने के बाद देखिए कि नीचे से नई ब्रांच आई और उसमें से जो देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये कट किया था हमने, तो वहाँ जस्ट उसके नीचे के जो नोट्स है वहाँ से एक नई ब्रांच निकल रही है। तो ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा, मतलब उसके प्लांट्स जो नीचे की जो मोटी डंडी थी वो हमने छोड़ रखी थी और ऊपर से जो पतली वाली थी उसे हमने कट कर दिया। ये जो सूखे पत्ते जो उसमें बच गए थे, जो सूख रहे थे, उसे भी हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे उसमें जो सूखे सूखे पत्ते थे सभी को निकाल दिया और हमारे प्लांट्स इस तरह से थे। तो इसमें हमने फिर देखिए कि नीचे से जो नई ब्रांच आई उसमें फिर कली कितनी अच्छी आई, और कली इतनी अच्छी आई उसका भी रीज़न है क्योंकि हमने जो फर्टिलाइज़र यूज किया उसके लिए, इसमें जो गुलाब के लिए जो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है वो आप सरसों की खली को यूज कर सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइज़र हमने यूज किया ये सिलेक्ट मैप है, इसमें नाइट्रोजन 12% एंड फॉस्फोरस जो है 61%। नाइट्रोजन जो है इसके वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो करती है और फॉस्फोरस जो है इसके रूट सिस्टम को। तो दोनों ही जब रूट एंड ऊपर वेजिटेटिव पार्ट्स अच्छे ग्रो करेंगे तो आपकी फ्लावरिंग अवश्य ही बहुत अच्छी होगी। और ये फर्टिलाइज़र सॉलिड फॉर्म में है तो इसे डाइल्यूट करना होगा, जो कि पैकेट के ऊपर इसके डाइल्यूशन का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। और पूरे प्लांट्स पे इसको आपको कलियाँ आ गई तो फिर आपको इसे स्प्रे नहीं करना है, उस समय फिर आप हम इसमें सरसों की खली डालेंगे। तो ये देखिए कि जब हमने इस तरह से दो फर्टिलाइज़र इसमें डाला और हमने जो मिट्टी में जो है गोबर की खाद भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, तो गोबर की खाद का भी यूज किया। जो मिट्टी हमारा है, हमारा 60-40 का कम्बिनेशन है, जैसे गार्डन सॉइल हमने इसमें 60% लिया है तो 40% गोबर की का खाद है और उसमें थोड़ी सी हमने रिवर्स सैंड मिला के रखी थी। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से रिपोर्ट हमने तो नहीं किया इसको, लेकिन इसमें जो सीजन नवंबर आने के मतलब अक्टूबर एंड होते होते हमने इसमें काफ़ी गोबर की खादें मिलाई, तो इसकी जो वेजिटेटिव पार्ट जो आपके पत्ते जो नहीं आ रहे थे और जो प्लांट्स में जो ग्रोथ नहीं दिख रही थी सही, तो वो सब में सुधार होने लगा। और देखिए यहाँ पे ये जैसे कट करके हमने रखा है तो यहाँ पर अभी इसमें जो यहाँ से कट किया है तो इसके जो जस्ट नीचे के नोट्स है कलर का जो रेड कलर का जो फ्लावर है इसकी जो प्लांट है उसमें देखिए एक साथ दो फ्लावरिंग हुई।
तो इसमें जो है फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रहता है गुलाब में, कि आपने कब फर्टिलाइजर डाला और कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो मेनली इसमें गोबर का खाद और सरसों की खली तो बहुत ज़रूरी है इसमें डालना फूल आने के लिए। वेजिटेटिव पार्ट के लिए मैंने बताया कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस का एक कम्बिनेशन, ये जो खाद है जो दिखाया हमने उसको आप स्प्रे करिए, उसमें उसके रेशियो दिया हुआ है उसी के अनुसार आप स्प्रे कीजिए, और ये कली आने के पहले आपको करना है। देखिए यहाँ पर देखिए अभी जैसे कटिंग किया था तो ये जो ब्रांच है ये नीचे से निकली हुई है, एकदम मिट्टी के पास से वहाँ से निकल रही है, और इसमें दो देखिए ऊपर में दो कलियाँ एक साथ आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने जो फर्टिलाइजर यूज किया है उसमें कितना मतलब दम है, कि उसके कारण यूज करने के बाद जो अभी जो नई ब्रांचेज आ रही है वो कितनी हेल्दी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं प्याज के छिलके को दिखा रही हूँ, गुलाब के लिए जो है प्याज का छिलका, जो ओनियन पील्स फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर भी हम बनाते हैं, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसकी जो एकदम सूखी हुई ऊपर की जो छिलकी होती है वो यूज कीजिए। और हमारे यहाँ हम लोग बादाम खाते हैं तो हम उसके बादाम के छिलके को भी नहीं फेंकते हैं और उसकी पानी को भी, बादाम के छिलके भी सूखे रहते हैं गुलाब में ऊपर से हम लोग डाल देते हैं और फिर उसमें जो उसकी पानी जो बचती है वो भी नहीं फेंकते हैं, उसकी पानी को भी उसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये सारे जो छिलके वाले जो चीज़ होती है ना इसमें ये बहुत न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। तो आप ये फेंकने की बजाय इसे प्लांट्स में डाल दें। तो हमने तो ये रेगुलर बेसिस पे हमारा रोज का जो जो पानी निकलता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें मैं डाल देती हूँ, और आप सामने ही देख रहे हैं कि ये इसमें कितनी अच्छी कलियाँ आई हुई हैं, कितने अच्छे ब्रांचेज हैं। और ये देखिए कि हमारा जो प्लांट्स है यहाँ पे हमने एक कटिंग, यहाँ भी फ्लावरिंग हुई थी जिसे हमने कट कर दिया है, और यहाँ पर देखिए एक साथ तीन तीन ब्रांच नई निकल रही है, और ये जो ब्रांच निकल रही है इसमें कलियाँ आएंगी और ये बहुत ही सुंदर खिलेगा ये प्लांट। और गुलाब में वाटरिंग की बात करें तो वाटर आपको जैसे बहुत सूखने नहीं देना है, इसको एकदम पूरे ड्राई नहीं होने देना है, हमेशा गुलाब में मॉइस्चर बना होना चाहिए। तो आप इसे अगर देखिए कि ये क्योंकि फुल सनलाइट में रहता है तो इसमें काफ़ी सूखती है इसकी मिट्टी, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप उस समय उसमें पानी नहीं डालिए, और जब मिट्टी लगे कि नहीं सूखने थोड़ा मॉइस्चर है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कि आपके गुलाब में पानी भी हो गया, धूप कितनी चाहिए वो भी हो गया, और आप क्या फर्टिलाइजर यूज करें वो भी हो गया, और उसमें थोड़ी सी आपको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में आप गुड़ाई करते रहें, और हर 15 दिन पे आप नीम खली को अगर यूज करते हैं अच्छे फर्टिलाइजर तो आप नीम खली दे सकते हैं। देखिए गुलदाउदी भी कितनी सुंदर खिली हुई है, और नीम खली का जो भी दे सकते हैं कि वो एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है, और सरसों की खली तो आप हर 15 दिन पे आप कोशिश कीजिए कि गुलाब में दे दें, क्योंकि ये सीजन जो है इसके खिलने का सीजन है। तो आप जितना न्यूट्रिएंट्स देंगे उसी तरह से आपकी प्लांट हेल्दी रहेगी और नए नए ब्रांचेज आएंगे, और वो जो ब्रांचेज आएगा उसमें कलियां आएगी, और कलियां भी जो आएगी बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो आप यहाँ देखिए एक एक ब्रांच, एक जो पेड़ प्लांट है उसमें तीन तीन फ्लावर लगी हुई है। तो ऐसे अगर प्लांट्स में चाहते हैं कि बहुत सारा ढेरों फूल आए तो आपको फर्टिलाइजर का खास ध्यान रखना होगा, और मिट्टी में पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, पानी गुलाब को चाहिए काफ़ी, क्योंकि इसको धूप भी काफ़ी चाहिए और पानी भी काफ़ी चाहिए, और इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जो जैसे फ्लावर जो खिल जाती है तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि जैसे आप पूरी लास्ट तक आप वेट नहीं कीजिए उसका, कि पूरे लास्ट तक हो जब पूरी कली सूखेगी तब आप काटेंगे, नहीं, जब आप देखिए कि आपका 20 से 25 दिन हो गया और आपकी फूल थोड़ी सी पुरानी हो रही है तो आप उसको उस समय कट कर दें। आप जब कट करेंगे तो उसमें देखिएगा कि नीचे से फिर से जैसे आप कट करिएगा उसके 5 दिन के बाद ही आपको नई ग्रोथ वहां पर दिखाई देगी, नीचे जस्ट उसके कटिंग के नीचे वाले नोट से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी कट किया तो वो जो पुराना फ्लावर्स जो न्यूट्रिएंट्स को ले रहा था प्लांट से वो अब नहीं लेगा, तो उसके जगह आपको नए ब्रांच फिर निकलेंगे, और आपकी जो गुलाब में है हमेशा फ्लावरिंग होते रहेगी। अभी ये मार्च तक तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करेगा, और फिर धीरे धीरे फ्लावर की साइज भी छोटी हो जाती है, और उसमें देखिए कि आप अभी यहाँ पर भी देखिए जैसे कि ये वाली ब्रांच भी देखिए नीचे से निकल रही है, इस साइड में हमने कट किया है यहाँ पर, तो देखिए
देखिए वहाँ भी जस्ट नोट के पास से नई ब्रांच आ रही है, दूसरी यहाँ भी इसमें दिख रही है कि इसमें भी ब्रांचेज आ रही है। तो आप देखिए कि कट करने का क्या फ़ायदा होता है। तो आपको हमेशा गुलाब में ध्यान देना होगा, और गुलाब एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें आपको काफ़ी मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि नर्सरी से ले आएंगे, लेकिन उनके पास नर्सरी से तो खिले हुए लाते हैं लेकिन बाद में उनके पास अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी वैसे ही फ्लावर आए जैसा नर्सरी में आपके पास आपने ले कर आया था, तो आपको इन सब बातों का ध्यान तो ज़रूर देना होगा कि कितनी फर्टिलाइज़र दे, क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज करें, और उसको गुड़ाई करते रहना होगा मिट्टी में, थोड़ी सी धूप लगनी चाहिए मिट्टी में जड़ के पास। अगर गमले की बात करें तो मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक की भी, क्योंकि हमने तो दोनों ही टाइप के गमले में लगाया है और दोनों ही प्लांट बहुत अच्छे हैं। प्लास्टिक में बस इतना ध्यान रखना होगा कि पानी का सूखने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पानी जल्दी नहीं सूखती है, तो वो पानी देते समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और आई होप कि गुलाब से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और अपने दोस्तों में बहुत से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपने जो हमने बताया ये सब काम करने के बाद आपके फ्लावर्स आए कि नहीं। तो मिलते हैं फिर से अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।